नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। इस वक्त अफगानिस्तान में जो हाल है उसे देखकर कोई भी बेहाल हो जाएगा, ऐसा ही कुछ राशिद खान के साथ है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में से एक राशिद खान के प्रदर्शन को देखकर मेरा नाम जोकर फिल्म का आखिरी दृश्य याद आ गया। परिवार पर भले ही दुख का पहाड़ टूट चुका हो, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। इस रिपोर्ट में देखिए। आंखों के सामने खौफनाक मंजर हो और दिल में दहशत, तो भला नींद आए तो आए कैसे। कुछ ऐसा ही हाल है अफगानिस्तान के सुपरस्टार क्रिकेटर राशिद खान का। अपनी लेग स्पिन से अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की बोलती बंद करने वाले राशिद इस वक्त इंग्लैंड में हैं, लेकिन अपने देश पर तालिबान के कब्जे के बाद होश उनके भी उड़े हैं। इस खबर के मिलते ही वो फूट फूट कर रोने लगे, उनकी आंखों की नींद उड़ी है। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर राशिद ने अपने दिल का हाल इंस्टा स्टोरी के जरिए शेयर किया। उन्होंने लिखा आंखों से बहते आंसुओं की इमोजी के साथ। अपनी इंस्टा स्टोरी में बस इतना लिखा कि अब चैन से सो नहीं सकता। तालिबान पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान में हालात बदहाल हैं। राष्ट्रपति समेत दूसरे बड़े नेता और राजनयिक देश छोड़ चुके हैं। राष्ट्रपति भवन से लेकर हर जगह तालिबानियों का कब्जा है। देश के बिगड़ते हालात पर दुख जताते हुए राशिद खान लगातार सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के बड़े नेताओं से मदद मांगते दिखे। उन्होंने ट्वीट किया, हमारा देश संकट में है, देश के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब संकट में हैं। दहशत से लोगों का पलायन जारी है, कृपया हमारी मदद करें। तालिबानी लड़ाकों ने न सिर्फ अफगानिस्तान के राजनीतिक गलियारों पर अपना शिकंजा कस लिया है, बल्कि देश के सभी क्रिकेट स्टेडियमों पर भी कब्जा कर लिया है। उनके इस कदम से अफगानिस्तान क्रिकेट का भविष्य भी खतरे में पड़ गया है। अफगानिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में भी खेलना है, जिसके आगाज में 2 महीने तक का वक्त बचा है। आगे अब क्या होगा, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। राशिद खान अपने हम वतन 2 खिलाड़ियों मोहम्मद नबी और मुजीब के साथ इंग्लैंड की द 100 लीग में खेल रहे हैं। वहां के बाद इन तीनों को IPL में खेलना है। पर राशिद खान का परिवार भी मुश्किल घड़ी में है। वो अपने परिवार को अफगानिस्तान से निकालने की कोशिश में है और लगातार मदद मांग रहे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबानी आतंकियों के कब्जे को लेकर महज एक औपचारिकता ही बची है। लड़ाकों ने राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया, इससे पहले राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए। तालिबान के बढ़ते प्रभाव से देश में अफरा तफरी का माहौल है, लोग दूसरे देश पलायन कर रहे हैं। इस बीच अफगानिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी राशिद खान ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और अपने परिवार को सुरक्षित बाहर निकालने की मदद मांगी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।